हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फ्यूल एफिशिएंट स्कूटीज के बारे में। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टॉप 10 स्कूटी बताएंगे जिसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बाकी इसी के साथ साथ हम इन स्कूटी के प्राइसेस भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी हम आपको माइलेज बताएंगे वो क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी होगी जो कि कंपनी के द्वारा क्लेम करी जाती है। ये रियल वर्ल्ड फ्यूल इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा डिफर कर सकती है। सबसे पहले 10 नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है TVS की तरफ से जुपिटर। जुपिटर हमें काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलती है और ये कुछ टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोडक्ट भी रही थी। जुपिटर के अंदर में 109.7 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 7.88 PS की पावर और 8.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी स्कूटी की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 50 किलोमीटर पर लीटर और इस स्कूटी के प्राइस की तरफ देखें तो इसका प्राइस शुरू होता है 73,340 रुपीज से जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 89,748 रुपीज तक। बाकी ये जो भी प्राइसेस हम आपको बताएंगे ये सभी के सभी एक्स शोरूम रहेंगे, ऑन रोड हर एक सिटी के हिसाब से वेरी कर सकता है। 9th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है होंडा की एक्टिवा 6G। एक्टिवा हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम से इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलती है। अभी इसका 6th जनरेशन वेरिएंट चल रहा है। कुछ ही टाइम के अंदर हमें 7th जनरेशन वेरिएंट भी देखने के लिए मिलेगा जो कि शायद से नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगा। एक्टिवा 6G के अंदर हमें 109.51 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 7.84 PS की पावर और 8.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटी की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो वो भी 50 किलोमीटर पर लीटर ही है। बाकी स्कूटी के प्राइस की बात करें तो वह 76,234 रुपीस जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 82,734 रुपीस। 8th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है TVS की एंटॉर्क 125। ये जो स्कूटी है हमें थोड़ी बहुत स्पोर्टी कैरेक्टर्स के साथ देखने के लिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर हमें जो इंजन भी दिया है वो भी काफी ज्यादा स्पोर्टी है इस सेगमेंट के हिसाब से। एंटॉर्क 125 के अंदर में 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 9.51 PS की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटी की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 54.33 किलोमीटर पर लीटर। बाकी स्कूटी के एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो 84,636 रुपीस जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 1.05 लाख रुपीस तक। 7th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है सुजुकी की एवनिस। एवनिस भी हमें स्पोर्टी स्कूटर ही देखने के लिए मिलती है और ये एंटॉर्क का ही राइवल है। एवनिस के अंदर हमें 124.3 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 8.7 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 55 किलोमीटर पर लीटर। इस स्कूटी के एक्सशोरूम प्राइस की तरफ देखें तो वो शुरू होता है 92,000 रुपीस से जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 92,800 रुपीस तक। यहाँ पर सिर्फ हमें इसका एक रेस एडिशन ही एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है जिसके लिए हमें 800 रुपीस एक्स्ट्रा देने होंगे। 6th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है वेस्पा की SXL 125। ये स्कूटी थोड़ी बहुत हमें अपर प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। SXL के अंदर हमें 125 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 9.78 PS की पावर और 10.11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 55 किलोमीटर पर लीटर। बाकी स्कूटी के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 1.37 लाख रुपीस से जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 1.42 लाख रुपीस तक। 5th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है हीरो की डेस्टिनी प्राइम। ये स्कूटी भी हमें इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम से देखने के लिए मिलती है लेकिन ये इतना ज़्यादा हिट प्रोडक्ट नहीं रहा था क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इस स्कूटी के अंदर हमें 124.6 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 9.09 PS की पावर और 10.38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी स्कूटी की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 56 किलोमीटर पर लीटर। बाकी स्कूटी के प्राइस की तरफ देखें तो 71,499 रुपीज़। यानी कि स्कूटी के अंदर हमें बढ़िया पावर भी देखने के लिए मिलती है और इसी के साथ साथ इसकी जो क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़िया है। बाकी स्कूटी का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है तो एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। 4th नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है TVS की जुपिटर 125। 10th नंबर पर हमें जुपिटर 110 cc वाली देखने के लिए मिलती है लेकिन 4th नंबर पर हमें 125 cc वाली देखने के लिए मिलती है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर हमें 124.8 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 8.15 PS की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटी की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 57.27 किलोमीटर पर लीटर। बाकी स्कूटी की एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 86,405 रुपीस से जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 96,855 रुपीस तक। 3rd नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है होंडा की एक्टिवा 125। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट के अंदर। एक्टिवा 125 के अंदर हमें 124 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि 8.3 PS की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखें तो 60 किलोमीटर पर लीटर। स्कूटी के एक्सशोरूम प्राइस की तरफ देखें तो वो शुरू होता है 79,806 रुपीस से जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 88,979 रुपीस तक। अब 2nd नंबर पर देखें तो यहाँ पर आती है यामा की फेसिनो 125 FI हाइब्रिड।
ये स्कूटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलती है, और ये स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोडक्ट रहा था, लेकिन अब इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इस स्कूटी के अंदर हमें 125 cc का इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 8.2 PS की पावर और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी इसके क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है, जो कि है 68.75 km/L। इस स्कूटी के अंदर हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है, तो इसी की वजह से इसकी जो माइलेज है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया दी गई है। बाकी स्कूटी के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 79,900 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 93,430 रुपीज़ तक। यानी कि स्कूटी का प्राइस भी सभी स्कूटी से कंपेरेबल है, लेकिन इसके अंदर में माइलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलती है। बाकी फर्स्ट नंबर पर देखें तो यहाँ पर यामा की एक और स्कूटी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि है रेस ZR125 Fi हाइब्रिड। इस स्कूटी के अंदर भी हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन इसके अंदर हमें फेसिनो से भी ज़्यादा माइलेज देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले रेस ZR के इंजन की बात करें तो यहाँ पर हमें फेसिनो वाला ही सेम इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 125 cc का है। इसके अंदर हमें 8.2 PS की पावर और 10.3 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो है 71.33 km/L। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट स्कूटी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि 125 cc कैटेगरी में आती है। बाकी स्कूटी के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 85,000 रुपीज़ से, जो कि टॉप मॉडल के लिए जाता है 95,730 रुपीज़ तक। तो यही थी टॉप 10 स्कूटी जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा माइलेज देखने के लिए मिलती है। बाकी अगर आप हमारी रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पर आप यामा की दोनों में से कोई भी स्कूटी कंसीडर कर सकते हैं। फेसिनो की बात करें तो हमें थोड़ी बहुत नॉर्मल लुक्स के साथ देखने के लिए मिलती है, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी रेस ZR की बात करें तो ये हमें थोड़ी बहुत स्पोर्टी और मैक्सी स्कूटी की तरह देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी फेसिनो से भी ज़्यादा है। आज की उन्हें बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।